नमस्ते, जय हिंद, जय भारत। आज के अखबार में खबर आई है कि गाजियाबाद के खोड़ा में एक बेटी ने छेड़छाड़ से तंग आकर फांसी लगा लिया। इरफान नाम का सौदा था, वो उसको छेड़छाड़ करता था। बेटी अपने पिता के साथ थाने गई, मुकदमा नहीं लिखा गया, यही बात अखबार में ही बात आई है। शाम को पिता अपनी बेटी को लेकर वापस आ गए। अब एक तो उनकी पूरी मोहल्ले में इज्जत खराब हो गई, वो थाने गए बेटी को लेके, तो जिनको नहीं पता था उनको पता भी चल गया होगा भाई बेटी थाने क्यों गई है, और वहां मुकदमा भी नहीं लिखा गया। निराश पिता, हताश पिता बेटी को लेके वापस घर आ गए। अगले दिन पिता और माता दोनों मजदूरी करने गए और बेटी ने आत्महत्या कर लिया। अब आप खुद सोचिए, इस बेटी की हत्या के लिए कौन कौन जिम्मेदार है? क्या अकेला इरफान जिम्मेदार है या पुलिस भी जिम्मेदार है? और यदि इरफान जिम्मेदार है तो इरफान को सोहदा बनाने वाला, इरफान को इस तरीके गंदी हरकत सिखाने वाला कौन है? और पुलिस जिम्मेदार है तो पुलिस इतनी निष्क्रिय क्यों है? पुलिस वीआईपी के फोन आते तुरंत एफआईआर करती है, जहां एफआईआर नहीं करना होगा वहां भी सांसद विधायक का फोन आएगा तो एफआईआर हो जाएगा। लेकिन एक गरीब, एक लाचार पिता अपनी बेटी के साथ थाने जाता है तो उसकी एफआईआर नहीं लिखी जाती। एफआईआर न लिखने का मूल कारण है घटिया पुलिस एक्ट, जो अंग्रेजों ने 1861 में बनाया था। मैं बार बार कह रहा हूं, डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, जब तक दवा नहीं अच्छी होगी बीमारी ठीक नहीं होगी। योगी जी कितने ही अच्छे हों, जब तक 1861 का पुलिस एक्ट चल रहा है, जब तक पुलिस चार्टर लागू नहीं होगा, जब तक जल्दी जल्दी सजा नहीं होगी, तब तक खौफ नहीं बैठेगा। कुछ लोगों का बुलडोजर से घर गिरा देने से पूरे हर जिले में, हर क्षेत्र में खौफ नहीं बैठेगा। खौफ तब बैठेगा जब मोहल्ले का एक भी व्यक्ति छेड़छाड़ करे या कोई भी गलत काम करे, 100 नंबर फोन करते ही एफआईआर हो जाए, 15-20 मिनट के अंदर, 1 घंटे के अंदर पुलिस वहां आके उसको गिरफ्तार कर ले, 2-3 महीने के अंदर उसकी चार्जशीट फाइल हो जाए, साल भर के अंदर उसको सजा हो जाए, तब जाके खौफ बैठेगा। केवल कुछ लोगों का घर गिरा देने से, कुछ लोगों के बारे में चर्चा कर लेने से जमीनी स्तर पर अपराध कम नहीं होगा। अगर जमीनी स्तर पर अपराध कम होता तो आज ये बेटी ने फांसी नहीं लगाया होता। बेटी ने फांसी इसलिए लगा लिया कि वो पिता गरीब था, पुलिस उसकी सुन नहीं रही थी। और पुलिस क्यों नहीं सुन रही थी? क्योंकि पुलिस रिफॉर्म नहीं हुआ, 1861 का पुलिस एक्ट नहीं बदला गया। सांसद विधायक का फोन आएगा, मंत्री का फोन आएगा, तब एफआईआर दर्ज होगा। गरीब आदमी जाएगा तो पुलिस उसको धुतकार के भगा देगी। दूसरा, आखिर इस इरफान को ऐसी गंदी हरकतें सिखाने वाला कौन है? हम क्यों नहीं भारत में वैदिक शिक्षा व्यवस्था फिर से लागू करते हैं? हम क्यों नहीं भारत में सनातन शिक्षा व्यवस्था फिर से लागू करते? इस राइट टू एजुकेशन एक्ट को राइट टू इक्वल एजुकेशन एक्ट क्यों नहीं बनाते? क्यों नहीं 12वीं तक या 10वीं तक इस देश में सबके लिए एक समान सिलेबस लागू कर देते हैं? इस तरीके की चीजें पढ़ाई जाए जिससे वो अच्छा नागरिक बने। इंजीनियर डॉक्टर बाद में बन जाएगा, हिंदू मुसलमान बाद में बन जाएगा, अरे पहले वो एक सभ्य नागरिक तो बने, सभ्य अच्छा भारतीय तो बने। हम किताबों में ना अच्छा उसको इंसान बनाना सिखा रहे हैं, ना हम उसको किताबों में अच्छा भारतीय बनना सिखा रहे हैं। कुछ स्कूल नफरत सिखा रहे हैं और कुछ स्कूल डॉक्टर इंजीनियर बनना सिखा रहे हैं। तो वो इंसान कब कैसे बनेगा, भारतीय कैसे बनेगा? मैं बार बार रिपीट करता हूं, डॉक्टर कितना ही अच्छा हो, जब तक दवा अच्छी नहीं होगी बीमारी ठीक नहीं होगी। मिस्त्री कितना ही अच्छा हो, जब तक बिल्डिंग मटेरियल अच्छा नहीं होगा तब तक घर अच्छा नहीं होगा। ड्राइवर कितना ही अच्छा हो, जब तक गाड़ी अच्छी नहीं होगी यात्रा सुरक्षित नहीं होगी। नाई कितना ही अच्छा हो, जब तक उसकी कैंची अच्छी नहीं होगी, उसका उस्तरा अच्छा नहीं होगा, हेयर कटिंग अच्छी नहीं होगी। प्रेस करने वाला कितना ही अच्छा हो, जब तक उसका जो प्रेस है, जिससे कपड़ा प्रेस करता है, वो अगर खराब होगा तो अच्छा कपड़ा प्रेस नहीं होगा, कपड़ा ऊपर उल्टा जलेगा। और दुर्भाग्यवश हम पिछले 75 सालों में केवल डॉक्टर बदलते रहे और डॉक्टरों ने दवा नहीं बदला।
इस बेटी की आत्महत्या का मूल कारण है घटिया कानून और घटिया शिक्षा व्यवस्था। 5 लाख स्कूलों में सिखाया जा रहा है कि जो इस्लाम को ना माने वो काफिर, 5 लाख स्कूलों में सिखाया जा रहा है कि जो मूर्ति पूजा करे वो काफिर, 5 लाख स्कूलों में सिखाया जा रहा है कि जो केवल इबादत करेगा अल्लाह की, जो नमाज पढ़ेगा वही जन्नत जाएगा, बाकी सब जहन्नुम में जाएंगे। और 5 लाख स्कूलों में सिखाया जा रहा है कि केवल ईसा मसीह ही प्रेयर के लायक है, केवल ईसा मसीह की पूजा करो, उनकी प्रेयर करो, और कोई प्रेयर के लायक नहीं है। जो जो ईसाई बनेगा वो हीवन में जाएगा, जो ईसाई नहीं बनेगा वो हेल में जाएगा, यानी जो ईसाई होगा स्वर्ग में जाएगा, जो ईसाई नहीं होगा वो नर्क में जाएगा। 5 लाख स्कूलों में सिखाया जा रहा है जो मुसलमान होगा वो जन्नत में जाएगा, जो मुसलमान नहीं होगा वो जहन्नुम में जाएगा। ये कहां ले जा रहे हैं इस भारत को? मैं फिर से कह रहा हूं, जब तक एक भी अंग्रेज घटिया अंग्रेजी कानून है, जब तक यहां पुलिस रिफॉर्म नहीं होगा, जुडिशियल रिफॉर्म नहीं होगा, जब तक पुलिस की अकाउंटेबिलिटी तय नहीं होगी, जब तक पुलिस चार्टर लागू नहीं होगा, जुडिशियल चार्टर लागू नहीं होगा, जब तक फोन करते ही पुलिस आना शुरू नहीं करेगी और जो पुलिस ना आए उसके ऊपर कार्रवाई नहीं होगी, तब तक अपराध कम नहीं होगा। हालांकि इस विषय में तो पेपर में छप गया है, तो हो सकता है पुलिस को सस्पेंड कर दे 1-2 महीने के लिए दिखाने के लिए, लेकिन होगा कुछ नहीं, वो दोबारा फिर बहाल हो जाएगा, फिर यही काम करेगा। प्लीज, यदि आपको मेरी बात ठीक लगी हो तो इसके बारे में सोशल मीडिया में लिखना शुरू करिए। हम फ्रांस से राफेल खरीद सकते हैं तो फ्रांस के अच्छे कानून क्यों नहीं ले सकते? सिंगापुर से हजारों करोड़ का सामान खरीद सकते हैं तो सिंगापुर के अच्छे कानून क्यों नहीं ले सकते? अमेरिका से हम मिसाइलें खरीद सकते हैं तो फाइटर जेट खरीद सकते हैं तो अमेरिका के अच्छे कानून क्यों नहीं ले लेते? आखिर फ्रांस में तो कोई बेटी आत्महत्या नहीं करती पुलिस के गैर जिम्मेदार रवैये के कारण। सिंगापुर में पुलिस तुरंत आती है, अपना FIR दर्ज करती है, पकड़ के ले जाती है। कोरिया में पुलिस आती है, पकड़ के ले जाती है तुरंत, वो गरीब हो या अमीर कोई फर्क नहीं पड़ता। अमेरिका में तो चाहे कोई भी हो, गरीब हो या अमीर, शिकायत करते ही पुलिस एक्टिवेट हो जाती है। आखिर अमेरिका में, फ्रांस में, चाइना में, बाकी देशों में FIR लिखवाने के लिए सांसद विधायक की जरूरत क्यों नहीं पड़ती? भारत में FIR लिखवाने के लिए सांसद विधायक की सिफारिश क्यों करनी पड़ती है? कभी सोचा आपने? सोचिएगा जरूर। जय हिंद, जय भारत।